तो सीक्वेंस को यूजुअली जब बोलते हैं तो उसमें यूजुअली उसको रेफर कर रहे होते हैं कि वो रूल फॉलो कर रहा है। हार्ड डेफिनेशन पे जाएंगे तो किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, बट इन जनरल हम इस चैप्टर में जब सीक्वेंस बोलेंगे तो मतलब कोई वो रूल फॉलो कर रहा है। तो किसी सीक्वेंस के लिए सीरीज क्या होता है? तो सीरीज इज बेसिकली, अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दें, उनका समेशन कर दें, तो हम उसको सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, तो सीरीज बेसिकली ऐड होके एक अगर फाइनल नंबर नहीं दिया एन के टर्म में तो एक फॉर्मूला टाइप से बन जाएगा, और अगर फाइनल नंबर दिया हो तो फिर वो एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज इज द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीरीज की बात भी होगी, वो टॉपिक थोड़ा सा नया है। तो चलो ये बेसिक बात कर लेते हैं। तो कोई सीक्वेंस है, मान लो कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है, तो जनरली वो एक फंक्शन सा होता है, फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन सीक्वेंस में टर्म्स की बात करते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते ना 2.5th टर्म, इसलिए बोला गया कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। इनपुट में नेचुरल नंबर जाएंगे, भाई पहला टर्म कौन सा है, दसवां कौन सा है, बीसवां कौन सा है। तो मान लो मैं कि सीक्वेंस डिफाइन कर दूं, ए एन इज इक्वल टू सपोज 3n² - 4। तो दिस इज अ सीक्वेंस, कैन वी फाइंड एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? यस सर। फॉर्मूला दे रखा है, कोई भी टर्म बता सकते हैं हम। इसका पांचवा टर्म बताना है, n = 5 डाल दो। दसवां बताना है, n = 10 डाल दो। थर्ड टर्म बताना है तो n = 3 डाल दो। 3 * 3² - 4, दैट वुड बी आई थिंक 23। ठीक है, इस तरह हम कोई भी टर्म इसका बता सकते हैं। अब तुम्हारी बुक में एक एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है, an लिख दिया और कुछ कुछ फालतू तो पूछ रहा है, मतलब बेसिक चीजें कि 10 बताओ, 5 बताओ, तो इतना उसमें कुछ है नहीं करने का। चलो तो एक सीक्वेंस है बहुत फेमस, वैसे ऐसे मैथ में क्वेश्चन नहीं बनता है हमारे, बट फिर भी ऐसा सुनाओ। फिबोनाची नाम सुना है? फिबोनाची सीक्वेंस, कई हॉलीवुड मूवी में नाम रख लेते हैं, फिबोनाची आ रहा है, और होता है असैसिन होता है, कोई शूटर वूटर होते हैं। बट फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि फिबोनाची सीक्वेंस होता है कि कोई भी टर्म इज डिफाइंड एज सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स। इस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। जो लोग सीएस पढ़ते हैं, ये प्रोग्राम लिखने को भी कहा जाता है, अगर शायद 11th 12th में आ गया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली किस ग्रेड में आएगा वो, कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए एन एन टर्म इट विल बी इक्वल टू प्रीवियस टर्म n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म, मतलब उसके पहले वाला टर्म में। जैसे मैं बोल दूँ, अच्छा इसके लिए तुम्हें दो टर्म पहले से डिफाइन होने चाहिए, तो हम बोल दें कि यार फिबोनाची सीक्वेंस लिखो जिसके पहले दो टर्म है 0 और 1। बताओ थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होगा? 1 1, पिछले दो ऐड कर दो। अगला टर्म 2 2, अगला टर्म 3 3, अगला 5 5 5 8 13, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची की स्पेलिंग आई थिंक नॉकी टाइप से लिखते हैं, आई थिंक ये स्पेलिंग है, बाकी स्पेलिंग स्पेलिंग इतना मैं देख ही लेता हूँ। तो यही है, ये लिखी है, आई थिंक मुझसे पहली बार किसी ने कहा स्पेलिंग यही है। ठीक है ठीक है, जब मैं छोटा था तो फिबोनाची बोलता था, फिर मूवीज वगैरह में फिबोनाची सुन लिया। I guess if not, is the correct pronunciation. देख लिया? यस सर। ओके, बाकी होना था पहले एक्सरसाइज में ऐसे ही कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आगे से एपी जीपी पे ही आएगा। फिर सबको एपी याद होगा, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा सेम रहता है, और उसे डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। याद है ना? यस सर। एपी का फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। और एपी का जनरल टर्म याद है सबको? ए एन
ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और अगर लास्ट से एंथ टर्म निकालना हो तो पीछे से भी निकाल सकते हैं ना सर, इसमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और जो d होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा, या तो ऐसा बोल लो या फिर l माइनस कर दो, साइन मत चेंज करो, बात एक ही है। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या होता है? n by 2, 2a plus n minus 1d, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, और इसी पे बेस पूरा चैप्टर था। अगर तुम्हें याद हो इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी था, अगर लास्ट टर्म पता हो तो, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, चलो एक आध बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं टू रिवाइंड थिंग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी हूज nth टर्म इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी हूज nth टर्म is given by, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर 480, 480 सबका आ गया क्या? यस सर। 20 टर्म्स का सम पूछा गया तो हम a प्लस अलग अलग लगा लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, फर्स्ट टर्म निकाल लें, n इज इक्वल टू 1 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट वुड बी 5। 20th टर्म भी निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल फार्मूला हो जाएगा, a 20 आ जाएगा 43, एंड देन वी विल अप्लाई द फार्मूला, सम ऑफ 20 टर्म्स कितना हो जाएगा, 20/2, 10, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट वुड बी 48, दैट इज 480। किसी ने उस तरीके से निकाला है पैरेलल फॉर्मूले से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे भी निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। तो ये क्वेश्चन मैंने 10th में कराया था, 10th के हिसाब से थोड़ा हैवी क्वेश्चन था, बट अभी 11th में आया था, एनसीईआरटी में ही है। रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू APs, RD में क्वेश्चन हुआ करता था, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू APs इज 5n+4 रेशियो 9n+6 ratio of sum of n terms of two APs is 5n+4 ratio 9n+6. Find the ratio of their 18th term. Find the ratio of their 18th term. सर
सर इसमें दोनों में एन सेम ही होगा ना? हाँ हाँ, मतलब ये तो एन टर्म्स का है ना, जनरल बात हो रही है। किसी को याद आया है क्वेश्चन यहाँ किया तो था? सर वर्कशीट में था सर। वर्कशीट में भी था, आरडी में भी था। याद होगा तभी कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगे। कुछ कुछ एक स्टेप में कहीं कुछ डिवाइड करना होता था अगर याद हो तो। अब मैंने टेस्ट के रिजल्ट पे बात नहीं की थी कार्तिक, तुम्हारा ये स्कोर ऐसा कैसे आया था टेस्ट में? सर गलत, सर गलत हो गए थे मेरे, ये तो मुझे पता ही है रिजल्ट देख के। रीजन पूछा जा रहा है ना सर? थोड़ी प्रैक्टिस कम थी सर। थोड़ी कम में ये तो काफी अनसैटिस्फैक्टरी है। अनुष्का यस सर, तुमसे कहा था थोड़ा भाई एक्टिव रहा करो, थोड़ा पूछो बताओ कुछ, तुम एकदम ही सन्नाटे में रहती हो। समझ में नहीं आ रही क्या मैथ? नहीं सर आ रही है। तो फिर रिजल्ट क्यों ऐसा है? सर वो स्कूल में एग्जाम चल रहे थे तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी ज्यादा। चलो भाई अगली बार सब लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो। चलो हुआ किसी का? चेतेश तुम लेट क्यों आते हो यार? अरे हुआ किसी का बोलो वे। मोशन नहीं हुआ। देखो दो एपी हैं, दोनों के एंड टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा है, तो मैं कहता हूँ चलो भाई पहले एपी के एंड टर्म्स का एस एन वन लिख देता हूँ और दूसरी एपी का एस एन टू लिख देता हूँ। दोनों ही सम ऑफ एन टर्म्स है। पहले एपी का फर्स्ट टर्म ए वन है और कॉमन डिफरेंस डी वन ले लिया, और दूसरी एपी का ए टू और डी टू। ठीक है, अभी देखो सम का रेशियो दे रखा है, सम का रेशियो फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले एपी का सम हो जाएगा एन अपॉन टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? एन अपॉन टू 2a2 plus n minus 1 into d2, और ये रेशियो दे रखा है 5n plus 4 upon 9n plus 6। अभी देखो n by 2 और n by 2 तो कैंसिल हो गया। हमारा पर्पस क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। अच्छा 18th टर्म फर्स्ट ap का क्या हो जाएगा? पहले सब लोग समझ लिया करो, लिख लिया करो, लिख लेना बाद में। फर्स्ट एपी का 17th टर्म क्या हो, सॉरी 18th टर्म क्या हो जाएगा? a1 n - 1 d1। ऐसा तो मैंने नेट अच्छा लगा यार, a1 plus 17 d1, और दूसरी एपी का 18th टर्म हो जाएगा a2 plus 17 d2। क्या हमें यही रेशियो चाहिए? ठीक है, अभी देखो मेरे पास ऑलरेडी एक रेशियो आ रखा है
2a1 plus n minus 1 into d1. मुझे चाहिए a1, तो थोड़ा उस फॉर्मेट का बनाने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन गया देखो a1 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी वन. जब डिवाइड होगा तो पूरे पूरे में होगा, हर टर्म से होगा, ये न्यूमरेटर में हो गया, ऐसे डिनोमिनेटर में किया तो a2 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू d2. ठीक है, राइट हैंड साइड में तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. नाउ सी दिस इज द फॉर्मूला, दोनों तरफ n n है, तो दिस इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n में कुछ भी डालें चलेगा ये, तो फॉर्मूला है. अच्छा, हमारा पर्पस क्या है कि यार देखो हमें रेशियो ये चाहिए a1 प्लस 17d1 और a2 प्लस 17d2. a1 और a2 तो रखे हुए हैं, तो मतलब अगर हम यहाँ n की कुछ ऐसी वैल्यू डाल दें कि सॉल्व होके 17 आ जाए तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? भाई हम तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ डाल दो कि इस पूरे की वैल्यू 17 आ जाए, तो देख लो कि भाई n माइनस 1 अपॉन 2 17 कब होगा, जब n की वैल्यू होगी सॉल्व करेंगे तो 35 आ जाएगा. देखो 17 into 2 34 plus 1 35, तो हमने कहा दोनों तरफ n की वैल्यू 35 डाल देते हैं. जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा. n की जगह डाल दो 35, तो 35 इंटू 5 हो जाएगा 165 प्लस 4 169 और 35 इंटू 9 हो जाएगा 315 प्लस 6 321. ठीक है, ये रेशियो आ गया, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज हो गया. ठीक है, देखो मेजर स्टेप यही है, n की वैल्यू डालने वाला, हमने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद यही ये जिसको समझ में आ गया खत्म है क्वेश्चन, इसको ये नहीं आया तो फिर से समझ ले कि हम n में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, बोथ साइड, दोनों साइड 1 डाल दो चलेगा, 10 डाल दो चलेगा, 20 डाल दो चलेगा, जो मनो वो डाल दो. इट इज लाइक यार a प्लस b होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a और b में दोनों तरफ कुछ भी डाल दो चलेगा, होता है ना, तो आइडेंटिटी थी, फॉर्मूला था, a और b में कुछ भी डालते रहो आंसर हमेशा सही आएगा दोनों साइड. ऐसे यहाँ भी n में कुछ भी डाल सकते हैं. अब हमारे जो काम की चीज है कि ऐसा कुछ डालेंगे 17 आ जाए, तो हमने देख लिया कि यार n में क्या डालेंगे 17 आ जाएगा, तो n माइनस 1 अपॉन 2 17 रख दिया. मान लो पूछा होता कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म, तो हमें चाहिए होता a प्लस 9d, तो हम देखते कि n में ऐसा क्या डाल लें कि n माइनस 1 अपॉन 2 9 आ जाए. समझ गए बात? आरडी में जो क्वेश्चन दिया उसमें वो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, उसने नंबर नहीं दिया, थोड़ा सा और वो डिफिकल्ट लगता है. mth टर्म पूछा है तो हमें क्या चाहिए होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो हम क्या कहते हैं कि n में ऐसी वैल्यू डाल दें कि n माइनस 1 अपॉन 2 क्या बन जाए, क्या बनाना पड़ेगा इस बार सर? m माइनस 1 चाहिए ना वहां पर, समझ गए बात को? तो n में हमें डालना पड़ेगा 2m माइनस 1. ये थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है कि यार ये क्या डलवा रहा है, बट वो नंबर नहीं डालोगे तो थोड़े तो कॉम्प्लिकेशन लगते हैं. ठीक है, यूजली तुमसे पूछेगा तो नंबर डाल के ही पूछेगा, तो इतना कोई टेंशन वाली बात. ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर, नोट कर लिया तुमने? एक मिनट, हाँ कर लो, बता देना. सर हो गया, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है एपी की, बेसिक प्रॉपर्टीज है, ऑल्दो मैं पता ही है बट फिर भी एक बार फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई एपी है
लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं 3, 7, 11, 15. अब क्या कहा जा रहा है कि अगर एपी के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो जो नया सीक्वेंस बनेगा क्या वो फिर से एपी बन जाएगा? यस सर. ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है. इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज एडेड बाय अ कांस्टेंट और अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल अगेन बी एन एपी. बताओ नए सीक्वेंस की जो एपी बनेगी क्या उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा या कुछ डिफरेंट होगा? सर सेम होगा. सोचो अगर मैं इस एपी के हर टर्म में सपोज 3 ऐड कर दो तो नया सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन. अभी देखो ये नया सीक्वेंस एपी तो बना ही बना और कॉमन डिफरेंस पहले भी 4 था और बाद में भी 4 ही रहा. ठीक है, क्या यही सेम बात वैलिड है डिफरेंस के लिए अगर मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं? अगर एपी के हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया सीक्वेंस फिर से एपी बन जाएगा और विद सेम कॉमन डिफरेंस. ठीक है? यस सर. ओके, तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि इफ ईच टर्म, लिख लो, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज एडेड or subtracted by a constant is added or subtracted by a constant then resulting sequence will be an AP, resulting sequence will be an AP with same common difference. लिख लिया हमने, समझ लिया. चलो अभी सोचो अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की. अभी तो मैं ऐड और सबट्रैक्ट कर रहा हूं. इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड एंड सिमिलरली इट विल गो फॉर डिवीजन. अभी सर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट तब नया जो सीक्वेंस बनेगा क्या वो फिर से एपी बनेगा? मेरी आवाज में क्वेश्चन मार रहे थे, डज नॉट मीन कि वो आंसर से रिलेटेड है. सोच के बताओ. इफ ईच टर्म बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा. अच्छा जो लोग कह रहे हैं बनेगा तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा. डिफरेंट होगा. क्या डिफरेंस होगा? डबल हो जाएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो. जस्ट से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इंटू हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो मैं ओरिजिनल सीक्वेंस 3, 7 वाला ही है. सपोज मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नया सीक्वेंस बनेगा 12, 28, 44, 60. चेक क्या ये एपी है? बिल्कुल है, 16 के गैप में है. पहले ओरिजिनल का कॉमन डिफरेंस 4 था, नए का 16 आया. क्यों आया? क्योंकि मैंने इंटू 4 किया है. अगर मैं इंटू 5 करता तो नया कॉमन डिफरेंस 20 हो जाता. इंटू 10 करता तो नया कॉमन डिफरेंस 40 हो जाता. बेसिकली नई जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस पुरानी एपी का कॉमन डिफरेंस इंटू जिस भी कॉन्स्टेंट से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो लिख सकते हो नई प्रॉपर्टी. इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड By a positive constant. अच्छा positive जरूरी है, negative कर दोगे तो फिर नहीं बनेगा क्योंकि फिर वो alternate हो जाएंगे ना. एक बार plus, नहीं sorry, वो GP में था. नहीं चलेगा चलेगा, इधर constant कर लो बस. If each term of an AP is multiplied or divided by a constant, positive word की जरूरत नहीं है, then the resulting sequence
then the resulting sequence will also be an AP. Then the resulting sequence will also be an AP. And common difference will be multiplied by the same constant. Then the common difference will be multiplied by the same constant. जो वैसे बेस्ट क्वेश्चन भी वैसे आते नहीं है, पहले कभी ये क्वेश्चन आते थे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब्जेक्ट हुआ करते थे 15-20 साल पहले, अभी बहुत रेयर है कि इन सब पे क्वेश्चन आ जाए। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते थे, अभी कम चांस है तुम्हारे स्कूल में आएंगे। क्वेश्चन ऐसा था कि बी प्लस सी, एक आध क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे वैसे, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, एंड ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, दे आर इन ए पी। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि ये तीनों ए पी में है, देन प्रूव दैट 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी, दे आर इन ए पी। ये गिवन है कि दीज थ्री टर्म्स आर इन ए पी, हमें प्रूफ करना है कि ये 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी ए पी में होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही होते थे। कोई सोच सकता है? एकदम नया चीज है तुम्हारे लिए, सोचना मुश्किल है, स्टिल किसी को कुछ थॉट आ रहा है? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो गिवन है, ये तीन टर्म्स एपी में है, हमने प्रॉपर्टी सीखी कि अगर एपी के टर्म्स में कुछ भी ऐड कर दो तो नया सीक्वेंस भी एपी में हो जाता है। तो मैं इन सब में टू ऐड कर रहा हूँ, टू ऐड करने का पर्पस अभी देख लेना क्यों। अगर मैं इन सब में टू ऐड करता हूँ, ऐसा लिखा होता है इन एपी, तो इन सब में अगर टू ऐड कर दूंगा तो नया सीक्वेंस भी तो एपी में हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस टू एंड ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस टू, ये भी एपी में होंगे, सब में ही ऐड हुआ है कॉन्स्टेंट। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे देखो क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, दे आर इन एपी, है ना। एलसीएम में तो लिया है, अभी हमने ये भी सीखा है कि अगर कोई कांस्टेंट से डिवाइड करते तब भी एपी बन जाता है, तब भी नया सीक्वेंस एपी होता है। तो मैं इन सारे टर्म्स को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, ये भी एपी में आ जाएंगे और हमारा प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। समझ गए, एक सीक्वेंस दिया था एपी, मैंने सब में एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया तो नया सीक्वेंस भी एपी में है, फिर सारे टर्म्स को एक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दिया तो भी नया सीक्वेंस एपी में ही होगा, और इस तरह से ये प्रूविंग हो गई हमारी। लिख लिया सर? हाँ सर। वैसे डिवाइड किससे किया होगा? ए प्लस बी प्लस सी से। अच्छा ठीक है, सेम ही कांस्टेंट से तो करेंगे। ठीक है,
मैंने ये स्टेप्स लिखे नहीं है, एडिंग टू डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी लिख लेना तुम लोग, नहीं तो भूल जाओगे बाद में कि हुआ क्या था, शॉर्ट में लिख लेना साइड में। तुम लोग कर रहे हो ना, मैं है कानो, ये शुरू के 10 मिनट ही दिखते हो तुम लोग। सर कर रही हूँ। अच्छा नेट लगवा लो तुम लोग में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और एपी में बस एक ही नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, देखो अभी तक कुछ नया नहीं आया, एक ही नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, वो सीख लेते हैं, क्वेश्चंस फिर हम करेंगे आजकल में। अरिथमेटिक मीन, अब सबने मीन सुन रखा है, दो नंबर्स का मीन सबको पता है, दो नंबर्स का मीन सबको पता है ना, 10 और 20 का मीन क्या होता है? 15। नाउ हम यूजली कभी ये सब कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बट दो नंबर्स के बीच में क्या जरूरी है सिर्फ एक ही मीन पॉसिबल है? अगर हम सोचें कि यानी एक नहीं दो मीन निकालने, तीन मीन निकालने, तो क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है? है। वी कैन इंसर्ट, वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। मीन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे वो सारे नंबर्स अरेंज हो गए हैं, जैसे 10 और 20 का मीन हम कह रहे हैं 15 है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मीन उस नंबर को बोला जाता है कि जब हम नंबर्स को अरेंज करें दो नंबर्स के बीच में, तो जो पूरा सीक्वेंस बने वो एपी में बने। तुम अगर बीचों बीच वाला निकाल दोगे तो ये हमेशा एपी ही तो बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं यार मैं 10 और 20 के बीच में ये नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, 12, 14, 16, 18, क्या अभी इन नंबर्स को इंसर्ट करने के बाद ये फिर से सीक्वेंस एपी में बन गया है? तो इन सारे को हम बोलेंगे मींस, ये सारे ही मीन है, देर आर फोर मीन्स, अगर हमें फोर मीन्स निकालने हैं तो वो इस तरह से होंगे। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्शन हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्शन ऑफ एन एम्स, शॉर्ट में एम बोलते हैं, बिटवीन ए एंड बी। तो डेफिनेशन समझ गए होंगे कि अगर हम ए और बी के बीच में एन मीन डालने, तो इसका मतलब है कि उनको डालने के बाद जो पूरा सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी इन एपी। यही हमारा फॉर्मूला, यही हमारी डेफिनेशन है बेसिकली, कि कितने भी नंबर डाल दो बस ये रूल फॉलो होना चाहिए कि जो पूरा सीक्वेंस बने वो एपी में आ जाए, तो उन सारे नंबर्स को हम एम्स बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे, ठीक है? अब देखो ये इंसर्शन आसान है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देखने में लगता है कि हाँ डिफिकल्ट है, बट है कुछ नहीं, मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ कि अगर हमें ए और बी के बीच में, ए और बी गिवन नंबर है और उनके बीच में एन मीन डालने हैं, ए है बी, ये दोनों नोन नंबर्स हैं और मैंने इसके बीच में एन मीन डालने हैं। एन मीन का मतलब है ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसे कितने नंबर्स डाल दिए हैं, एन नंबर्स डाल दिए हैं, ठीक है? ये हमें करना होगा, एन नंबर्स डालने होंगे। तो बेसिकली हमें पता है एक एपी बनेगी, पहला नंबर पता ही है हमें, अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम सारे नंबर डाल देंगे, हमें अगर कॉमन डिफरेंस मिले तो सारे नंबर डाल देंगे, ऐड करते जाएंगे, डालते जाएंगे, बात करता हूँ। तो देखो अभी ये जब मैंने एन मीन डालने तो ये पूरा सीक्वेंस एपी में बन गया होगा एज पर द डेफिनेशन। अब देखो इस एपी में कितने टर्म्स हैं, एन प्लस टू हमारे सामने है, उसमें कितने टर्म्स हैं, एन प्लस टू, एन प्लस टू टर्म्स है, वेरी गुड। तो जो बी है वो इस एपी का कौन सा टर्म है? लास्ट, एन प्लस टू टर्म है बोल सकता हूँ मैं, पक्का? सबको समझ में आ रहा है? इस एपी में टोटल n प्लस टू टर्म्स है, n मीन और a और b, टोटल टर्म्स है n प्लस टू। तो जो b है, जो लास्ट टर्म है, वो इस एपी का n प्लस टू टर्म है, तो मैंने वही लिखा हुआ है कि a n प्लस टू इज इक्वल टू b। फॉर्मूला लगा दो जनरल टर्म का, तो क्या ये हो जाएगा a n प्लस टू, कैसे, कितने टर्म्स है इस एपी में? इस एपी में कितने टर्म्स है कार्तिक? सर एक सेकंड, सेकंड को चाहिए, काउंट सामने तो लिखे हैं। हाँ सर, एन प्लस टू ही है, एन प्लस टू नहीं, एन प्लस टू, हाँ एन प्लस टू।
तो n प्लस आखिरी टर्म ही तो b है तो n प्लस 2th टर्म ही तो हुआ. यस सर. ठीक है, एज पर द फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये कैसे मैं देखता हूँ. a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 हो तो n प्लस 1 इनटू d हो जाएगा. b जनरेटर में फॉर्मूला लगा दिया हो गया. n होता है तो n माइनस 1, n प्लस 2 है तो उसमें माइनस 1 करो तो n प्लस 1 बचेगा. आ रहा है कार्तिक ये? सर ये नहीं आया सर समझ में. अगर जो भी टर्म निकालना होता है उससे एक कमी तो डी से मल्टीप्लाई होता है. टेंथ टर्म निकालना होता है तो 9 डी करना होता है. हाँ सर. 100 टर्म में 99 डी करना होता है. यस सर. तो एन प्लस 12th टर्म में क्या करना होगा. हाँ सर, एन प्लस 1 डी. ठीक है सर. ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया. यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1. ये है सिंपल सा लॉजिक. कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों नंबर का डिफरेंस अपॉन एन प्लस 1 जितने भी एम्स इंसर्ट करने. फॉर्मूला लिख लो, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत इजी लगेगा. देख लो फॉर्मूला सर. ये ए प्लस एन प्लस 1 प्लस जी वाला नहीं आया. एन प्लस 2 टर्म के लिए जनरेटर में फॉर्मूला क्या निकलेगा. ए एन प्लस 2 क्या हो जाएगा बताओ. एन टर्म में एन माइनस 1 होता है. हाँ. एन प्लस 2 टर्म में क्या होगा. अच्छा, n प्लस 1. n प्लस 2 माइनस 1 तो n प्लस 1 ही तो हो जाएगा. सर लेकिन मल्टीपल मीन से सर मतलब होता क्या है. सर होता कुछ नहीं, होना क्या है. एक मीन से क्या होता है सर, उससे भी कुछ नहीं होता वैसे तो. सर यहाँ पे n प्लस 1 की जगह n प्लस 3 नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि हम n प्लस 2th टर्म. तो एक कम होता है डी के साथ मल्टीप्लाई, एक ज्यादा होता है. लिख लिया सबने. ठीक है, अब देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे. कहेगा इंसर्ट इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन, तो अभी नंबर ले लो सपोज 12 एंड 72. ठीक है, देखो ए और बी मालूम है, अब हमें 6 एम्स डालने इनके बीच में, तो मैं गैप देता हूँ ताकि ये डाल दो. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए. बी और ए बताएंगे 12 और 72 है, बी माइनस ए 60 हो गया. अपॉन कितने मिनट डालने, 5 मिनट डालने, तो एन की वैल्यू 5 है तो एन प्लस 1 6 हो गया. तो यहाँ डी की वैल्यू 10 आ गई. समझ गया ना सब लोग, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं. D इज इक्वल टू हमने अभी निकाला ना, B माइनस A ओवर N प्लस 1. B है 72, A है 12 अपॉन N है 5. तो यहाँ से 10 आ गई ना D की वैल्यू. यस सर. ठीक है, तो हमारे मीन क्या हो जाएंगे, 22, 32, 42, 52 एंड 62. तो दीज आर 5 AMs दैट वी कैन इंसर्ट बिटवीन 12 and 72. समझ गया. सर तो मतलब कि हम फिर किसी भी दो नंबरों के बीच में कितने भी मींस डाल सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. एक आध चीज और नोटिस करने वाली है, नोटिस करने वाली चीज क्या है कि कई बार ऐसा बोलता है कि फिफ्थ मीन ये है, तो लोग भूल जाते हैं कि यार फिफ्थ मीन एपी का टर्म कौन सा होगा. सिक्स्थ टर्म होगा. क्योंकि कई बार हमें डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ बीच से पूछ लेता है. एक एपी थी उसमें इतने एंड मीन डाले गए, उसमें फिफ्थ मीन इतना था, तो अब ये आखिरी टर्म निकालो, कुछ कुछ पूछ लेगा. तो ये ध्यान रखो कि जो पहला मीन है वो एपी का सेकेंड टर्म है, तो सेकंड मीन है वो एपी का थर्ड टर्म है. बेसिकली जो भी मीन बोल रहा है वो एपी का एक अगला टर्म है. ठीक है, तो ये गलती बहुत हो जाती है. डी तो पता ही होता है,
या नहीं पता तो एन का टर्म में पता होता है, बस वो ऑर्डरिंग भूल जाते हैं हम लोग, फिफ्थ टर्म को ही फिफ्थ मेन को ही फिफ्थ टर्म मान लेते हैं और सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कर लोगे? चलो एक आध क्वेश्चन कर लो फिर। सिंपल दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है? एक सिंपल कर लो पहले। चलो इंसर्ट इंसर्ट 6 AMs इंसर्ट 6 AMs between insert 6 AMs between 12 between 12 and 89। ये तो पिछले का आंसर दिया था शायद तुमने, नहीं अभी दिया, नहीं नहीं तो कह रहा था 10 थोड़े ना हो गया, बताओ ना आंसर। 11 ठीक है, डी के वैल्यू निकालोगे तो 77/7 जो कि 11 आ जाएगा, तो हमारे ऐड करते रहो 23, 34, 45, 56, 67 and 78। ठीक है, आ गया सबको? ठीक है ना? Yes, sir. चलो एक एनसीईआरटी में थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन यही कर लेते हैं तो तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा। लिखो बिटवीन वन एंड थर्टी वन M numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. Between 1 and 31, M numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP. The ratio of 7th and M minus 1th number, the ratio of 7th and M minus 1th number is 5:9. Find the value of M.
हुआ किसी का? प्रोसेस में मतलब आ रहा है ना संकल्प? ठीक है, क्या बोला संकल्प? एम की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, बड़ा तारा डेसिमल में तो नहीं आएगी। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी दो नंबर हैं, उनके बीच में मैंने क्वेश्चन बंद कर दिया है, कितने कितने नंबर इंसर्ट किए गए? M numbers. क्या 1 और 31 के बीच में जाना शायद आई थिंक? ठीक है, 1 और 31 के बीच में M numbers insert किए गए, basically वो means ही तो है, ठीक है ना, A1, A2, up to AM. अब देखो इन numbers में कह रहा है कि 7th number, मतलब 7th mean की बात कर रहा है, 7th mean और M minus 1th number, तो M minus 1th mean, इनकी, इनका ratio दे रखा है, 7th mean मतलब APR कौन सा term? बोल सकते हैं कि यार 1 plus 7D upon 1 plus M minus 1th number मतलब AP का mth term हुआ? Yes sir. ठीक है, तो 1 plus M minus 1 into D हो गया, वो यही ratio है 5/9, ठीक है, और यहाँ D की value क्या होगी? 30 upon M plus 1, very good. भाई कॉमन डिफरेंस तो वही आएगा ना, फॉर्मूला पता ही है हमें, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होता है, n का यहाँ पर m है, बस ये वैल्यू पुट करो तो एक ही वेरिएबल रह गया हमारे पास, अब एक ही वेरिएबल तो रह गया 7 into 30 upon M plus 1, और यहाँ 1 plus M minus, तो संकल्प तुम इतना बता रहे हो, तो यहाँ यहाँ तक कर लिया हो तुमने? हाँ सर, यहाँ तक मेरा हो गया था। फिर कैसे नहीं आया? क्या तो कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, m प्लस 1 plus 2 10 आ जाएगा, तो M plus 2 1 1 हो गया, और पूरे में अपॉन M plus 1, और यहाँ आ जाएगा M plus 1 plus 30, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31 M आएगा -30 और प्लस 1 तो -29, और पूरे के अपॉन में M plus 1 कैंसिल हो जाएगा, M plus 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9M प्लस 2 1 1 into 9 हो जाएगा 1899 इज इक्वल टू 31 into 5 155 M minus 145, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 146 M इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2044, बस एम की वैल्यू आ जाएंगे, तो आई गेस कैंसिल तो होने चाहिए यार ये, तब प्लस माइनस में निकल जाएगी। अच्छा ये कैंसिल होके आई गेस वन टाइम में रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसमें 58 584, तो 4 times 560, ठीक है,
14 m is equal to 14 आ जाएगा. पढ़ना समझ आ गया सबको? आ गया ना? Yes sir. चल इसकी यार देखो एनसीईआरटी थोड़ी सी हैवी है as I told before. 9.1 से लिख लो होमवर्क. 9.1 तो वैसे तो बच्चों वाली है. कोई भी 5 क्वेश्चन कर लेना, एनी 5, सब एक जैसे हैं. 9.2 आओ मेन वो है. 9.2 में हमारी क्लास अब आज क्या फ्राइडे है, मंडे है ना मैं क्लास, तो 18 क्वेश्चन है, कर लोगे या कम दो? टेस्ट तो है नहीं कोई तुम्हारा, है कोई टेस्ट? सर है टेस्ट, सर संडे को है, मोशन इन अप्लाई. अच्छा तो ऐसा करो, ऐसा मैंने दो टाइम दो क्वेश्चन कराए दिए, 16 क्वेश्चन रह गए. क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लेना, चाहो क्वेश्चन और 1-11 कर लेना, उसमें 9th में करा चुका हूँ तो 10 क्वेश्चन ही हुए सर. ठीक है चलो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे, फिर जेपी टाइम मिला तो जेपी स्टार्ट करेंगे. ठीक है चलो गाइस, थैंक यू सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे. थैंक यू सर.